नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लौकी की एक हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, लौकी बेसर नारियल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 2 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, इन सबको थोड़ा सा पानी देके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ लौकी को धो के साफ करके इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। लौकी को बनाने से पहले इसको थोड़ा पहले टेस्ट कर लीजिएगा, लौकी कड़वा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लौकी को पूरा काट के तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई गरम करके उसमें 2 चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गरम हो जाने पर उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच राई डाल देंगे। ये सब अच्छे से तड़क जाए, अब इसमें हम जो लौकी हमने काट के रखा था उसे डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर जब तक हमारा लौकी अच्छे से पक ना जाए तब तक इसको पकाएंगे। बीच बीच में इसको हम चला देंगे। लौकी में हमेशा नमक देखकर डालिएगा क्योंकि पकने के बाद लौकी बहुत ही कम हो जाता है। ये देखिए लौकी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें से 2 या 3 चम्मच अब इसमें डाल दीजिए। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे अब ढककर हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 5 से 6 चम्मच किसा हुआ ताजा नारियल को डाल देंगे। नारियल डालने से हमारा लौकी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इसको ढककर 1 मिनट और पका लेते हैं। ये लीजिए, बहुत ही कम तेल मसाला में तैयार हो गया है हमारा हेल्दी एंड टेस्टी लौकी की सब्जी। इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।